हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन्फिनिटिव का जो है सिंथेसिस हम कैसे करते हैं। मतलब पिछले वीडियो में हमने कई टॉपिक को पढ़ा, आज हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग होना। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते तो हो जाता है जीरंड, जो कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे इन्फिनिटिव। तो देखिए, हिंदी में इसका क्या अर्थ आता है कि हिंदी में इसका अर्थ के लिए आता है। क्या आता है, के लिए, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप टू पहले, इसके पहले टू लिखेंगे तो उसका अर्थ आता है के लिए आता है। चलिए देखते हैं इसको चेंज कैसे करना है, इसका नियम क्या है। चलिए देखते हैं, दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि इसमें दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही होना चाहिए। पहले वाक्य में कारण यानी कि रीजन, पहले वाक्य में कारण यानी कि रीजन तथा दूसरे वाक्य में परिणाम यानी कि रिजल्ट होना चाहिए। कभी कभी वाक्य में उद्देश्य भी दिखाई देता है, मतलब रिजल्ट के जगह कभी कभी आपको उद्देश्य भी दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फिनिट वर्ब को, एक वाक्य के फिनिट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं, उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे वाक्यों के फिनिट वर्ब को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। मतलब दूसरे वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलते हैं, केवल उद्देश्य या फल दिखाने वाले वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलना चाहिए। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि जिसमें जिस वाक्य, मतलब दो वाक्य रहेंगे, उन दोनों वाक्यों में से जिस वाक्य में उद्देश्य और फल दिखेगा, उद्देश्य या फल यानी कि उद्देश्य यानी पर्पज यानी एम, और फल मतलब रिजल्ट जब दिखेगा, उसी वाक्य को आपको इन्फिनिटिव में चेंज करना है, ठीक है। चलिए, रूल नंबर एक है आपका, यदि वाक्य में रीजन और रिजल्ट हो तो, यदि वाक्य में रीजन और रिजल्ट हो तो रिजल्ट वाले वाक्य को, किसको, रिजल्ट वाले वाक्य को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। यदि वाक्य में उद्देश्य हो तो उद्देश्य वाले वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलते हैं, ठीक है। यानी रिजल्ट और उद्देश्य वाले वाक्य को ही इन्फिनिटिव में बदलना है। चलिए देखते हैं आगे, एग्जाम्पल है, ही केम हियर, ही वॉन्टेड टू सी हिज ब्रदर। देखिए, ही केम हियर, वह यहाँ आया और उसका आने का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि वह अपने भाई को देखना चाहता था। यानी कि ये वाला जो वाक्य है यही आपका उद्देश्य है और परिणाम भी है। वह यहाँ पे आया, आने क्या परिणाम था कि वह अपने भाई को देखना चाहता था। यानी इसी वाले वाक्य को आपको क्या करना है, चेंज करना है, ये वाला चेंज नहीं होगा। तो लिखेंगे ही केम हियर, जो चेंज नहीं होगा वो पूरा लिख देंगे ही केम हियर। और फिर इसके बाद इन्फिनिटिव हमको देखना है तो यहाँ से लिखेंगे, यही है इन्फिनिटिव, टू सी हिज ब्रदर। अगर वांटेड है तो वांटेड को छोड़ देंगे, अगर वांटेड नहीं है, दूसरा वर्ब है तो उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। अगर वांटेड उसमें रहता है तो उसमें इन्फिनिटिव पहले से रहता है, तो टू सी हिज ब्रदर। अब देखिए इसमें, He wants to study, he has gone to Agra। अब देखिए, वह पढ़ना चाहता था, वह आगरा गया, ठीक है। तो पहले क्या किया होगा, पहले वो आगरा जाएगा तब ना पढ़ेगा, कि पहले पढ़ना चाहता, पहले मतलब आगरा जाएगा, पहले ये कार्य होगा, फिर वहाँ पे वो जाके पढ़ेगा। तो इसके बाद यही वाला वाक्य हम पहले लिखेंगे, He has gone to Agra, ये इन्फिनिटिव है आपका, टू स्टडी, ठीक है। फिर अगला है, ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता था। यानी कि पहले चाकू लिया होगा, तो ही टुक अ नाइफ, पहले चाकू लिया, फिर वो मारना चाहता था, यानी कि टू किल द हैन, यहाँ से इन्फिनेटिव से टू किल द हैन। यानी जो कार्य पहले होगा उसको नहीं चेंज करना है, जो कार्य बाद में होगा उसी को हमें चेंज करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दे दो, ही विल सीट ऑन इट, वो उस पर बैठेगा। यानी पहले उसे कुर्सी दिया जाएगा, गिव हिम अ चेयर टू सीट ऑन इट, को क्या करेंगे, हटा देंगे। तनु रैन फास्ट, सी वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, यानी कि जब इसको कंबाइन करेंगे तो पहले वो तेज दौड़ेगी, तो तनु रैन फास्ट, ये आपका पहले तेज दौड़ेगी, वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, मतलब कि जब वो पहले दौड़ेगी फिर वो पहला स्थान पाएगी, पहले वो दौड़ेगी फिर पहला स्थान पाएगी। ही तनु रैन फास्ट
टू गेट फर्स्ट प्राइज। अगला है ही विल सी मी, ही विल सी मी ही वांट्स दिस, ही विल सी मी ही वांट्स दिस, वह मुझे देखना चाहेगा। तो पहले क्या कहेगा, पहले वो आएगा फिर वो देखेगा। तो ही वांट्स टू सी मी, ही वांट्स टू सी मी, ठीक है, क्योंकि पहले वो चाहता था, पहले वो चाहेगा, पहले वो आएगा, वो ऐसा चाहता है, मतलब वो चाहेगा फिर वो आएगा, फिर वो क्या करेगा, देखेगा, ठीक है। फिर अब देखिए अगला रूल है, अगर कर्ता एक हो और किसी एक वाक्य में हैज हैव हैड का प्रयोग हो तो वाक्य को पूरा लिखे और दूसरे वाक्य के कर्ता को हटाकर मुख्य क्रिया के पूर्व टू लगाकर इंफिनिटिव बनाते हैं। यानी कि हम इसमें ये देखेंगे जिसमें हैज हैव हैड है वो वाला वाक्य देखेंगे। तो देखिए ही हैड सम बिल्स, देखिए ही हैड सम बिल्स ही मस्ट पे देम। तो देखिए जिसमें हैड होगा, जिसमें हैज हैव हैड होगा, देखिए ये देख रहे हैं ना आप, जिसमें हैज हैव हैड होगा उस वाक्य को लिख देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जो अगला वाला वाक्य है उसी में चेंजेस करना है। तो देखिए ही हैड सम बिल्स, ही हैड सम बिल्स पूरा वाक्य लिख दिए पहला, किसके लिए, पे के लिए, यानी कि टू पे, देम क्या करेंगे हट जाएगा, ठीक है। ही हैज फाइव चिल्ड्रेन ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। तो देखिए ये वाला पूरा वाक्य लिख देंगे, ही हैज फाइव चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड फॉर, ये देम क्या होगा हट जाएगा, क्योंकि ये देम बच्चों के लिए ही है, तो एक बार बच्चे का यूज हो गया है तो दोबारा हम देम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, अगला है वी हैव नो मनी, वी हैव नो मनी वी कैन नॉट स्पेयर इट, ठीक है। तो देखिए वी हैव नो मनी टू स्पेयर इट, मतलब कि वी हैव नो मनी, ये वाक्य पूरा तो लिख ही देंगे, है वाले में चेंज करना नहीं है, तो यहाँ पे टू स्पेयर हो जाएगा, वी हैव नो मनी टू स्पेयर। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, आप इसे खुद से होमवर्क में ले लीजिए, कंबाइन करना है और कमेंट में लिखना है। अगला है ही हैड अ लार्ज फैमिली ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, इसको भी आप क्या करिएगा कमेंट में इसको लिखिएगा, ठीक है, होमवर्क के रूप में। अगला है नियम नंबर थर्ड, पहले वाक्य में, नियम थर्ड का पहला है, पहले वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हो, पहले वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हो तो दूसरे वाक्य में कैन आएगा, तो सेंथेटिस करते समय कैन को क्या करेंगे हटा देंगे। यदि पहले वाक्य में वाज वर हो तो दूसरे वाक्य में कुड आएगा, तो सेंथेटिस करते समय कुड को क्या करेंगे हटा देंगे, यानी कि इज एम आर आएगा तो कैन आएगा तो कैन को हटा देंगे, अगर वाज वर आएगा तो कुड आएगा तो कुड को हटा देंगे। चलिए देखते हैं ही इज वेरी वीक, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए ये जो वेरी है ये आपका चेंज हो जाएगा टू में, किसमें चेंज जाएगा टू में, यानी ही इज वेरी कर देंगे टू में, ही इज टू वीक। अब देखिए ही कैन नॉट वॉक है ना, तो ये पूरा वाक्य आपका हट जाएगा, ही कैन नॉट वॉक पूरा हट जाएगा, और ये जो वाक है इसी को इन्फिनिटिव बनाएंगे, और जब इन्फिनिटिव बनाएंगे तो उसके पहले क्या लगेगा टू लगेगा, यानी ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि इसी के सामने टू लग जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। या वेरी किस में कर देंगे टू में कर देंगे, यानी कि ही इज टू वीक टू वॉक। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल है गर्ल्स वर वेरी टायर्ड दे कुड नॉट वॉक। अब देखिए गर्ल्स वर वेरी किस में कर देंगे टू में कर देंगे, गर्ल्स वर टू टायर्ड, अब दे कुड नॉट को हटा देंगे, ये कुड पूरा हट जाएगा, दे भी हट जाएगा, गुड भी नॉट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा टू वॉक, ठीक है। अगला है यू आर वेरी फैट यू कैन नॉट रन फास्ट, आप इसे आपको इसे करना है, इसे आप होमवर्क में करिए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, आज के लिए बस इतना ही, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।